हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद स्वाति। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटी कढ़ी पकौड़ा घर में बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है, उसे मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट। सॉल्ट मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूखी हुई लाल मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शाही जीरा, आप नॉर्मल जीरा भी यूज कर सकते हैं, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप करा हुआ। और यहाँ मैंने धनिया पत्ती डाला है बारीक काट के, आप चाहें तो इसकी जगह पालक भी डाल सकते हैं, बहुत एक हेल्दी पकौड़ा बन जाएगा उससे पालक डालने से। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि इसमें लम्स ना आ जाए और पकौड़े का बैटर बनाएंगे। ना इसे ज्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी में रखेंगे ना ही थिक कंसिस्टेंसी में, मतलब ना ज्यादा पतला हो जाए ना ज्यादा गाढ़ा रहे, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का ये हमें बैटर चाहिए पकौड़े का। तो चलिए, बैटर बनके रेडी हो गया है, अब पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप जो ऑयल में खाना खाना पसंद करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा पकौड़ा डाल के देखा है कि ऑयल बहुत बढ़िया से गर्म हो गया है कि नहीं। यहाँ ऑयल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी पकौड़ी डाल दी है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पकौड़ी बढ़िया चाहिए, बेस में ना चिपक जाए कढ़ाई के, इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। चलिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे अलट पलट करके सेक लेते हैं और इसका ब्राउन कलर आने तक इसे सेकेंगे, बट पकौड़ी हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे, जिससे कि पकौड़ी अंदर तक बिल्कुल बढ़िया से सिक जाए। चलिए, पकौड़ी सिक चुकी है, अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। प्लेट पे मैंने टिश्यू पेपर यूज किया है, जिससे कि जो भी एक्सेसिव ऑयल है पकौड़ी का वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। देखिए, पकौड़ी बहुत बढ़िया बनके रेडी हुई है, बहुत ही क्रिस्पी है। चलिए, अब यहाँ पे कढ़ी का घोल बनाना तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर मिल्क लिया है, अप्रोक्स 1 ग्लास बटर मिल्क लिया है। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप कर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कर्ड अगर खट्टा हो तो कढ़ी बहुत ही बढ़िया बनती है, अगर कर्ड खट्टा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी कढ़ी बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगी तब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके उसमें 1 स्पून लेमन जूस डाल सकते हैं, इससे भी कढ़ी खट्टी हो जाती है। तो यहाँ मैं 4 लोगों के लिए कढ़ी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2.5 बड़ी स्पून यूज करी है बेसन की। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक इसके लम्स ना चले जाएं, क्योंकि बेसन जब डालते हैं तो थोड़े से लम्स रह जाते हैं इसमें, तो इसे बढ़िया से दबा दबा के मैंने मिक्स कर दिया है, इससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। अब मैंने यहाँ इसमें 2 ग्लासेस पानी डाला है, पानी ये भी कम पड़ेगा, कढ़ी बनते बनते डालेंगे। और चलिए, यहाँ पे कुकर रख लिया है, उसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं वो यूज करिएगा। ऑयल को बढ़िया से गरम कर लेंगे, उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून हींग डाली है, थोड़े से करी लीव्स के पत्ते लिए हैं और स्लिट करी हुई ग्रीन चिली ली है, वो भी डाल देते हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा 1 टीस्पून लिया है, जीरा आप शाही जीरा, नॉर्मल जीरा, कोई भी जीरा यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 मीडियम साइज का अनियन लिया है, उसे रफली चॉप कर लिया है, उसे भी भून लेते हैं थोड़ा सा। और जो हमने घोल बना के तैयार करा था कढ़ी के लिए वो भी धीरे धीरे करके इसमें डाल देते हैं। इस टाइम हम फ्लेम लो रखेंगे क्योंकि हमारा कुकर बहुत गर्म है। चलिए, अब इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं।
हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि हमारा एक बॉईल ना आ जाए। चलिए बढ़िया, बॉईल आ चुका है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे 40 मिनट के लिए। कढ़ी तो वैसे जितना कढ़े उतना ही बढ़िया स्वाद आता है उसमें, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 40 मिनट्स के लिए से पका रही हूँ। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी और डाला है। अप्रोक्स मैंने इसमें 3 से 4 गिलास पानी का यूज़ किया है। देखिए कितना बढ़िया उबाल आ चुका है कढ़ी में। अब मैंने इसे लिड से कवर कर दिया है। लिड को थोड़ा सा टेढ़ा रखा है जिससे कि जब कढ़ी में खौल आए, उबाल आए, तो कढ़ी बाहर निकल के ना गिर जाए। अब हम इसे बिल्कुल ढक के पकाएंगे 40 मिनट के लिए। 40 मिनट से पहले चलाने की भी जरूरत नहीं है इसे। देखिए कितनी बढ़िया कढ़ी पक के तैयार हो रही है। चलिए जब तक कढ़ी पक रही है तब तक इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन में देसी घी लिया है। देसी घी आप अकॉर्डिंग टू योर नीड ले सकते हैं। उसमें फाइनली चॉप्ड मैंने अनियन डाला है एक मीडियम साइज का, और 2 सूखी लाल मिर्च डाली है। अगर सूखी लाल मिर्च ना हो तो आप नहीं डालिए, बट जब ये अनियन फ्राई हो जाए बढ़िया से, उसके बाद आप गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें रेड चिली पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्याज को कम भूना है, आप चाहें तो डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं। चलिए उधर कढ़ी भी बन के रेडी है, इधर तड़का भी तैयार है। कितनी बढ़िया कढ़ी पक के तैयार हुई है। देखिए कढ़ी रखने के बाद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी मैंने फ्लोई रखी है। चलिए अब इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं कढ़ी को। अब मैं इसमें पकोड़े डालूंगी, और पकोड़े डालने के बाद इसके ऊपर तड़का डालने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, जिससे कि पकौड़ियाँ कढ़ी को सोक कर लें। अगर आप गैस ऑन में ही डाल देते ना ये पकौड़ियाँ, तो ये पकौड़ी घुटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए कढ़ी बन के रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।